हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो फेस्टिव सीजन है, उसके बाद शादी सीजन है, सब तरफ सेल लगी हुई है। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू शॉप ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही बढ़िया वाली ब्राइडल मेकअप किट एंड मैं ना ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो आप अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो एंड अपना ब्राइडल मेकअप किट बना सकते हो। यू कैन कंसिडर दिस एज अ बिगनर्स मेकअप किट ऑल्सो, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दे आर वेरी 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 बिगनर फ्रेंडली एज वेल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन पे हिट कर देना, ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी प्रोडक्ट के, बिकॉज अगर मैंने वैसा किया ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड वैसे भी मुझे लग ही रहा है ये वीडियो एनी विच वेज बहुत लंबा होने वाला है। तो हम स्टार्ट ऑफ करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में, विच इज आर प्राइमर। जो स्किन केयर वाला पोर्शन है ना वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रखूंगी और हर पोर्शन को मैं सेगमेंट कर दूंगी, सो दैट अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे जंप करना चाहते हो तो आप टाइमलाइन पे जंप कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्राइमर्स, सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी फॉर ऑयली स्किन एंड मेरा रेकमेंडेशन वुड बी स्विस ब्यूटी का ये वाला प्राइमर। दिस इज देयर पोर रिफाइनर प्राइमर। एक बहुत ही बढ़िया मैटिफाइंग प्राइमर है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन को स्मूद आउट करता है, इवन आउट करता है। दिस रिटेल्स फॉर आई थिंक 400 or 350 रुपीज का। फॉर द प्राइस आपको ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। आई वुड से स्मैशबॉक्स का जो प्राइमर आता है ना, जो मैटिफाइंग वाला होता है, ये उसकी टक्कर का है एंड द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी गुड। सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन बी दैट। सेकंड आई वुड रेकमेंड इज कफ्स एंड लैशेस का प्राइमर ऑयल। ये ऑल स्किन टाइप के लिए बढ़िया है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, आपकी स्किन को स्मूद आउट करेगा, इवन आउट करेगा, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ऑयली या ग्रीसी नहीं बनाता। आई नो ये प्राइमर ऑयल है बट ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। जो नेक्स्ट है वो है मेबलिन फिट मी प्राइमर। आई थिंक ये डिसकंटिन्यू कर दिया है मेबलिन ने, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा प्राइमर है। मैं कहूंगी ये मैक का एक क्रीमी प्राइमर आता है, उसका ड्यूप है, लाइक लिटरली 100% ड्यूप है एंड अगर ये आपको मिल जाए कहीं तो आई वुड से गो फॉर इट। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक और प्राइमर मैं रेकमेंड करूंगी विच इज स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस्ड प्राइमर। वो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, एट द सेम टाइम उसमें शिमर पार्टिकल्स है तो आपके स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो लेकर आता है एंड अगर आप उसको फाउंडेशन नीचे लगाओगे ना, आपका फाउंडेशन जो है बहुत ही ज्यादा ड्यूई और फ्रेश लगता है थ्रू आउट द डे। आई लव दैट प्राइमर, वुड हाईली रेकमेंड दैट एज वेल। वैसे लैक्मे का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर आता है, वो भी काफी अच्छा है, वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी अफोर्डेबल साइड पे है। और महंगी साइड पे अगर आप जाओगे तो फिर आप स्मैशबॉक्स का प्राइमर ले सकते हो, दैट इज वेरी गुड। सो मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, मेरे पास चार रिकमेंडेशन है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम फाउंडेशन, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है अगर आपकी ड्राई स्किन है। इसका कवरेज मीडियम है तो ये ना शादी के बाद आपको हल्का फुल्का इवन आउट करना है, स्किन को हल्का कवरेज चाहिए उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि अब सर्दियां आ रही है ना, आप मैटिफाइंग फाउंडेशन ज्यादा यूज करना पसंद नहीं करोगे बिकॉज स्किन ड्राई और फ्लेकी हो जाती है, तो उस केस में ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करता है। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट हाफ बॉटल ऑलरेडी फिनिश कर दी है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है एंड आई जस्ट लव हाउ इट फील्स ऑन माई स्किन। एक चीज बस ध्यान रखना कि जब भी आप ये फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो गिव इट टाइम टू सेटल, लाइक ऐसे 3-4 मिनट देना और उसके बाद ही इसके ऊपर पाउडर लगाना, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग है, ड्यूई है, तो अगर आप इमीडिएटली पाउडर लगा लोगे ना तो आपका पाउडर या आपका फाउंडेशन फट जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो फाउंडेशन लगा के थोड़ा टाइम दो और उसके बाद पाउडर से सेट करो। अफोर्डेबल साइड पे एक और फाउंडेशन मैं रेकमेंड करूंगी, इट इज मेबलिन फिट मी। इसमें एक्चुअली बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, मामा अर्थ वाले में शेड्स नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, बट इसमें क्योंकि बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, ये मैटिफाइंग है तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए चल जाता है। आप बोलोगे कैसे, तो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस्ड प्राइमर आप ले सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है और उसके ऊपर इसको ट्राई करना, आपका यही फाउंडेशन ड्यूई बन जाएगा। तो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस्ड प्राइमर या फिर कोई भी ड्यूई प्राइमर, ये मेबलिन वाला भी चलेगा, एनी ड्यूई प्राइमर आप उसके ऊपर जब भी कोई मैटिफाइंग फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो सैटिन फिनिश का बन जाता है एंड इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन यू कैन टोटली वेयर एनी मैट फाउंडेशन लाइक दैट। जो नेक्स्ट फाउंडेशन है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ऑल्सो, बट उसका कवरेज बहुत कम है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही वो। आप 1200 रुपए खर्च भी करोगे पर कवरेज अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसलिए आई स्किप्ड इट, बट इट्स अ गुड फाउंडेशन। जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन। ये मिनी बॉटल है, अब मैंने मिनी क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना शेड वगैरह गड़बड़ हो जाता है, प्लस हम इतना फाउंडेशन तो यूज करते नहीं है, तो मिनी इज फॉर आई थिंक 1700 रुपीज। तो आप जो है बहुत ज्यादा अमाउंट भी स्पेंड नहीं कर रहे हो और आप मैक का फाउंडेशन भी यूज कर पाओगे, सो यू कैन गो फॉर दिस। इसमें SPF 15 भी है एंड मिनी वाले में भी काफी सारे शेड्स अब अवेलेबल है। लास्ट आई वुड रेकमेंड इज हुडा ब्यूटी फाउंडेशन। दिस इज लाइक अ फुल 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 कवरेज फाउंडेशन, बट अगर आपको हल्का या मीडियम
मीडियम कवरेज चाहिए इसकी कम क्वांटिटी यूज करो और यू नो एक ड्यूई प्राइमर में अगेन मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांटेड ड्यूई इफेक्ट। ये एक एक्सट्रीमली मैटिफाइंग फाउंडेशन है तो ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत 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 बढ़िया है। इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप इसको अवॉइड करना, अदरवाइज ये फ्लेकी कर देता है। आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करो और ड्यूई प्राइमर यूज करो फिर इसको यूज करो तो आई थिंक चल जाएगा। बट दिस इज ए हैवी ड्यूटी फाउंडेशन, लाइक ब्राइडल मेकअप करना है ना अगर तो मैं इसको रेकमेंड करूंगी, अदरवाइज जो मैंने इसके पहले सजेस्ट किया ना दैट इज इनफ। अब हम मूव करेंगे कंसीलर की तरफ, तो कंसीलर के लिए मेरे पास चार रिकमेंडेशंस हैं फिर से। सबसे पहले है कफ्स एंड लैशेस के कवर पॉट, दीज आर अवेलेबल इन 21 शेड्स, तो आपको आपके स्किन टोन से मैचिंग एक ना एक शेड तो मिल ही जाएगा। फॉर रेफरेंस आई वुड से अगर आप मेबलिन फिटमी में 128 वार्म न्यूड हो तो शेड नंबर 6 उठा लो, अगर आप 228 से 310 के बीच में हो तो आप शेड नंबर 8 ले सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन के हो तो कैश्यू करके एक शेड है आप वो वाला ले सकते हो, आप मैक फाउंडेशन में NC45 के अराउंड हो तो आप शेड नंबर 12 महोगनी ले सकते हो। सो वी हैव शेड्स एंड अगर आपका स्पेसिफिक शेड नहीं मिल रहा तो आप मिक्स एंड मैच करके भी ले सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी इनएक्सपेंसिव, 299 MRP है, बट अभी क्योंकि पर्पल पे सेल चल रही है तो ये आपको काफी अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस पे मिल जाएगा। यू कैन गेट प्राइमर ऑल्सो एट अ वेरी नाइस डिस्काउंटेड प्राइस। सो द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ये एक बार अगर आपने लगा लिया ये सेट हो जाता है फिर इधर से उधर नहीं होता। एंड दिस ब्रिंग्स टू अ पॉइंट कि बहुत सारे लोग जो ड्राई स्किन के थे उन्होंने ये खरीदा तो उनको अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप प्राइमर ऑयल ले लोगे ना तो प्राइमर ऑयल की एक बूंद आप अपने कवर पॉट में मिक्स करो, आपके पास ऑब्वियसली कवर पॉट होगा, सिर्फ एक बूंद इसमें मिक्स करो एंड देन अप्लाई इट, इसका टेक्सचर टोटली चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन। सो यू कैन यूज कवर पॉट इफ यू हैव ड्राई स्किन लाइक दैट, क्योंकि फुल कवरेज है इसका, आप इसको कंप्लीट फेस पे भी यूज कर सकते हो एज अ फाउंडेशन, एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो, इसमें करेक्टर शेड्स भी है तो आप करेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट कंसीलर मैं रेकमेंड करूंगी ये है अफोर्डेबल, ट्रस्ट मी गाइस है अफोर्डेबल, बट मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये फुल कवरेज कंसीलर है। मैं बात कर रही हूँ इनसाइड के HD कंसीलर की, मेरा जो शेड है वो LP या LN10 है, बट गाइज दिस कंसीलर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही बेहतरीन कवरेज का, एंड दिस इज जस्ट फॉर 230 rupees। सो आई वुड हाईली रेकमेंड दिस, अगर आपका शेड आपको इसमें मिल जाता है देन गो फॉर इट, बिकॉज ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए चल जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राइंग भी नहीं है या बहुत ही ज्यादा मैटिफाइंग भी नहीं है या ड्यूई है, इट्स समवेयर इन बिटवीन एंड इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। एक और प्रोडक्ट जो सबके लिए काम कर जाता है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो लिक्विड कंसीलर, इट इज अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन कंसीलर है वो, आप वो भी ले सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव लेना चाहते हो तो के ब्यूटी का कंसीलर है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बट आई वुड रेकमेंड दिस टू ड्राई स्किन। एंड अगर आप और ज्यादा एक्सपेंसिव जाना चाहते हो देन हुडा ब्यूटी का ओवर अचीवर कंसीलर इज एक्सट्रीमली गुड, आई लव दैट प्रोडक्ट, मतलब लिटरली रेस कर देता है डार्क सर्कल्स को, तो अगर आपका उतना बजट है तो आप हुडा ब्यूटी का ओवर अचीवर कंसीलर जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट्स की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो रिकमेंडेशन दे रही हूँ बिकॉज दे आर इनफ। सबसे पहले तो कप्स एंड लैशेस का परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर है, दिस इज ग्रेट टू सेट योर मेकअप, ये ना बहुत लाइट वेट है प्रोडक्ट तो आपके मेकअप को ऐसे केकी नहीं बनाता, एंड दिस इज अवेलेबल इन 10 डिफरेंट शेड्स, तो आपको आपका शेड भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो शेड नंबर 03 वुड बी योर परफेक्ट मैच, अगर आप मुझसे डीपर हो तो शेड नंबर 6 एंड 7 ले सकते हो, यू नो 310 के अराउंड अगर आप हो, एंड आप उससे भी ज्यादा डीपर हो तो 8, 9, 10 आर प्रिटी डीप कलर्स। सो दिस इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर 16 ग्राम्स प्रोडक्ट मिल जाता है फॉर जस्ट 250 rupees, बट सिंस देयर इज अ सेल यू कैन गेट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एज वेल। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मैं उनको रेकमेंड करूंगी जो कि सिर्फ पाउडर लगाना पसंद करते हैं, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कई बार फाउंडेशन स्किप करके सिर्फ पाउडर लगाना चाहते हो एंड यू वांट कवरेज फ्रॉम योर पाउडर, सो आई वुड रेकमेंड प्लम का लेजिट मैट टैल्क फ्री कॉम्पैक्ट पाउडर, दिस इज SPF 15 एज वेल। ओ बाय द वे इसमें भी SPF 15 है, सो दिस इज SPF 15, बट द कवरेज ऑन दिस वन इज इनसेन। आई वुड नॉट रेकमेंड दिस टू ड्राई स्किन, ड्राई स्किन वालों को मैं ये रेकमेंड करूंगी बिकॉज दिस इज वेरी लाइट वेट एंड आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, बट दिस वन वुड ड्राई आउट स्लाइटली क्योंकि ये मैटिफाइंग है एंड इट्स फुल कवरेज, तो जब आप लगाते हो तो काफी सारा पाउडर लगता है, एंड आई वुड से ये पाउडर कम इट इज ए पाउडर फाउंडेशन, इट इज दैट फुल कवरेज। सो दीज आर माय ओनली टू रिकमेंडेशन, मैं कोई हाई एंड का कॉम्पैक्ट पाउडर रेकमेंड नहीं करूंगी, दीज आर प्रिटी डिसेंट प्रोडक्ट्स बोथ ऑफ देम, एंड यू नो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड हाउ यू लाइक योर पाउडर्स टू बी। लूज पाउडर्स की अगर मैं बात करूं आई हैव 3 रिकमेंडेशन हियर, फर्स्ट वन इज द मोस्ट अफोर्डेबल वन, ये है मार्स का ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर, ये काफी फाइनली
हैंडमेड प्रोडक्ट है. ये वाला मैंने एक्चुअली खोला ही नहीं है. दिस इज इन व्हाइट शेड, तो मैं यूज करती हूँ वो सॉफ्ट लाइट शेड है. वो परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए. और अगर आप डीपर हो मुझसे तो आप बनाना शेड ले सकते हो. आई थिंक आई हैव बनाना हियर. यस, तो आप बनाना वाला शेड ले सकते हो. बनाना वाला काफी ज्यादा येल्लो है, सॉफ्ट लाइट हल्का येल्लो है. तो सॉफ्ट लाइट फेयर टू मीडियम पे चल जाएगा एंड मीडियम टू डीप के लिए आप बनाना वाला ले सकते हो. दीज आर वेरी अफोर्डेबल बट वेरी 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 गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पे अगर चला जाए तो के ब्यूटी के लूज पाउडर्स आर वेरी गुड. सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसकी लगती है वो है पैकेजिंग. इसकी पैकेजिंग जो है बिल्कुल भी मेसी नहीं है. एवरी टाइम यू ओपन यू विल गेट योर प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट इधर उधर नहीं उड़ता. सो पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड ये बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है. लाइक ये तीनों ही लूज पाउडर बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है. तो इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट. जो तीसरा वाला है ये है हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर. एंड मेरे पास जो शेड है ये है शुगर कुकी. ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है एज यू कैन सी. बट मैं फेयर स्किन टोन मीडियम स्किन टोन पे चल जाता है. डीपर स्किन टोन पे थोड़ा सा व्हाइट कास्ट हो सकता है दे दे. बट इट्स अ ट्रांसलूसेंट पाउडर तो नो कलर पाउडर है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पाउडर. इसको लगा के ना एक हल्का सा मुझे लगता है मेरी स्किन पे शाइन भी आ जाती है. सो इट डज हैव दैट शिमर टू इट बट इट डजंट ड्राई आउट माई स्किन एंड आई लाइक दिस प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे ब्लश की तरफ एंड आई हैव फ्यू रिकमेंडेशंस वहां पर. मोस्टली कफ्स एंड लैशेज है बट बिकॉज आई थिंक ब्लशेज आर रियली गुड. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सो वी हैव कफ्स एंड लैशेज कपी के. एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, 8 डिफरेंट शेड्स में आते हैं एंड दिस इज लाइक ये ना काफी अच्छे हैं इफ यू आर बिगनर. बिकॉज आप चाहे कितना भी प्रोडक्ट ले लो, लाइक लिटरली कितना भी प्रोडक्ट ले लो एंड यू स्ट्रेट अवे गो इन टू योर फेस विद दैट ब्रश, आप क्लाउन फेस नहीं होगे. दिस इज ए ब्यूटिफुल ब्लेंडेबल एंड बिल्डेबल प्रोडक्ट. तो यू नो कफ्स एंड लैशेज कपी के एक ब्लश. जो दूसरा मैं रिकमेंड करूंगी वो है कफ्स एंड लैशेज के लिप चीक एंड आई टिंट. दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड बट सिंस इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट इसकी लास्टिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है. सो आई वुड रिकमेंड कि क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा अपना पाउडर प्रोडक्ट लेयर अप कर लो तो लास्टिंग पावर बढ़ जाएगी. बट इफ यू वॉन्ट अ क्रीम प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, कफ्स एंड लैशेज के लिक्विड ब्लशेज दे आर प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग. 6 to 8 hours आराम से ये टिके रहते हैं. दीज हैव स्लाइट ड्यू फिनिश बट ओवरऑल दे आर ट्रांसफर प्रूफ. सो येस एंड these are available in 7 different shades. I think you will find a shade for you. हमारे पास पर्पल भी है by the way. और जो लास्ट में रिकमेंड करूंगी इज दिस वन. ये है के ब्यूटी का ब्लश. दिस वन इज इन द शेड कोरल चार्म. बहुत ही फाइनली मिल्ड प्रोडक्ट है एंड द पिगमेंटेशन इज ऑल्सो गॉर्जियस जस्ट लाइक कफ्स एंड लैशेज. आई शो यू वॉट आई मेंट वेन आई मेंट की ब्लशेज जो है ओवरली पिगमेंटेड नहीं है. सो आई वुड से दीज कलर्स आर ऑल्सो प्रिटी क्लोज एंड मैं दोनों को साइड बाय साइड आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. सो दीज आर द टू शेड्स एंड कैन यू सी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पिगमेंटेशन उठ के आया है. ऊपर वाला जो है दिस इज योर के ब्यूटी एंड दिस इज योर कप्स एंड लैशेज एंड दे ब्लेंड सिमिलरली. सो द पिगमेंटेशन इज वेरी सिमिलर इन दोनों की ही एंड ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड होते हैं एंड ऑल्सो बिल्डेबल भी हैं. मैं आपको ये NYBK सनसेट स्काईलाइन ब्लशेज भी रेकमेंड करूंगी. दीज आर वेरी वेरी पिगमेंटेड. तो आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो. बहुत लाइट हैंड से यूज करना पड़ेगा. लाइक जितना आप के ब्यूटी या कफ्स एंड लैशेज के ब्लश में बेफिक्र होकर ब्लश लगा सकते थे, बिल्ड कर सकते थे, दिस यू हैव टू बी केयरफुल. बट दे आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. गाइस आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बीच में से मैं चली गई थी. सो वी डिड ब्लशेज. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग हाइलाइटर्स. हाइलाइटर के लिए मेरे पास अगेन काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि इंडियन स्किन टोन्स पे काफ़ी अच्छे लगते हैं. सबसे पहले तो ये मास्टर क्रोम मोल्टन गोल्ड बाय मेबलिन. इट्स अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर जो मोस्ट ऑफ द स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है. अगर आप बहुत फेयर हो तो ये यू नो आपकी स्किन पे दिखेगा. अदरवाइज यू नो मेरे स्किन टोन एंड आप मुझसे डीपर हो दिस विल लुक अमेजिंग. इसका सिमिलर शेड जो है वो कफ्स एंड लैशेज में अगर आप लेना चाहोगे ना तो आहा शेड जो है इट्स वेरी सिमिलर टू मोल्टन क्रोम. तो आपको अगर और अफोर्डेबल में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो. नेक्स्ट आई वुड रेकमेंड इज वेट एंड वाइल्ड का पाउडर हाइलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल. ये भी बहुत सुंदर हाइलाइटर है एंड बिल्कुल भी शिमो पार्टिकल्स नहीं है इसमें. तो आप वो भी ले सकते हो. मैं इसको भी स्वॉच करके दिखा दूँ. जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, थक गई हूँ मैं सुबह से. सो यू कैन सी दिस इज गोल्डन. दिस इज लाइक स्लाइटली वाइटिश गोल्ड. सो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो या फिर कफ्स एंड लैशेज का आहा शेड ले सकते हो. दैट इज ऑल्सो गुड. यू कैन ऑल्सो गो फॉर ग्लो पैलेट्स. दिस वन इज बाय कफ्स एंड लैशेज. ये है हमारा 8 कलर आई शेडो पैलेट, 8 कलर हाईलाइटर पैलेट. यहाँ पर 8 शेड मिल जाता है. मेरा ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. दिस वन इज एक्चुअली आई थिंक आहा ओनली जो मैंने खत्म कर दिया है. बहुत ही प्यारा शेड है. आई विल शो यू एंड ये बहुत फाइनली मिल्ड है, बहुत सॉफ्ट है. दे हैव काइंड ऑफ अ क्रीमी टेक्स्चर टू इट. So that's aha and very 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 nice subtle highlight. This is just for 699 rupees. So you can get 8 shades
इन 699 रुपीज़, और यू कैन जस्ट ग्रैब एनी ऑफ दीज. और सिंगल्स में भी अवेलेबल हैं ये सारे शेड्स. तो अगर आप डीप स्किन टोन के हो, यू हैव हाईलाइटर्स दैट विल कॉम्प्लीमेंट यू. आई शेडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो यू नो, इफ़ यू वॉन्ट टू स्प्लर्ज देन तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है. यू कैन गो फॉर हुडा ब्यूटी के एनी ऑफ द पैलेट्स. आई वुड रिकमेंड नॉटी न्यूड्स ले लो, बिकॉज दैट्स अ न्यूड पैलेट एंड इट गोज विद ऑल द आउटफिट्स. अगर अफोर्डेबल की बात करो, आई वुड रिकमेंड कफ्स एंड लैशेज का एनचैंटिंग पैलेट. दैट इज़ बिकॉज इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है इन वन सिंगल पैलेट. यू हैव न्यूड्स, मैट्स, शिमर्स, आपको यहाँ पर ग्लिटर्स भी मिल जाते हैं, एंड यू गेट कलरफुल आई शेडोज ऑल्सो. इसमें सिर्फ एक ब्लैक शेड नहीं है, तो आप ब्लैक कलर का सिंगल आई शेडो ले सकते हो, या फिर वी हैव न्यूली लॉन्च्ड शाई स्टाइल्स पैलेट. उसमें एक शेड है विच इज़ कॉल्ड नैन्सी न्यूड, दैट ऑल्सो हैज़ अ ब्लैक एंड इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूट्रल टोन आई शेडो पैलेट. सो इसके साथ में आप वो और ले लोगे एंड यू आर गुड टू गो. सो दैट्स इनफ. इफ यू आर अ बिगिनर, यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दिस, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट आप देख लो सब कुछ मिल जाता है. यू हैव शिमर्स, यू हैव न्यू मैट्स, यू हैव सैटिन्स, यू हैव न्यूड्स, यू हैव कलरफुल आई शेडोज, लिटरली एवरीथिंग इन दिस पैलेट. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड पैलेट इन बजट. दिस इज़ फॉर आई थिंक 899 रुपीज़, और डिस्काउंट में आपको ये 899 का मिल जाएगा. लिपस्टिक के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी. आई वुड से एक न्यूड, एक रेड ले लो, दैट इज़ इनफ. अगर आप अफोर्डेबल में लेना चाहो तो कफ्स एंड लैशेज की लिक्विड लिपस्टिक आर वेरी वेरी गुड. दे आर वेरी लाइट वेट एंड दे लास्ट रियली लॉन्ग. सो जो हेलो शेड है, इट्स अ ब्लू अंडरटोन का शेड विच लुक्स ग्रेट ऑन ऑल स्किन टोन्स. एंड आप न्यूड में अगर लेना चाहते हो तो वारी जावा, डुग्स एंड गपशप आर योर शेड्स. नेक्स्ट, अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको जाना है, देन यू कैन गो विद मामा अर्थ की लिपस्टिक. बुलेट एंड लिक्विड दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रेंज टू सिलेक्ट फ्रॉम. ऑल्सो ये प्लम की बुलेट लिपस्टिक्स ना, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है. इनका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है एंड दे हैव रेड्स, न्यूट्रल, सभी टाइप के कलर्स हैं. तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो. इसका मेरा फुल लाइक मैंने सारे लिपस्टिक्स का स्वाचेज नहीं किया है, बट अगर मैं मामा अर्थ की लिपस्टिक्स की बात करूँ या फिर कफ्स एंड लैशेज की लिपस्टिक्स की बात करूँ, इनका फुल स्वाच वीडियो है, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना. मार्स की ये क्रियॉन लिपस्टिक्स आर वेरी वेरी गुड. नॉन ट्रांसफर है एंड दे लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग ऑन योर लिप्स. यू कैन गो फॉर दीज एज वेल, एंड इसमें भी काफी अच्छे शेड्स हैं. दीज न्यूली लॉन्च मिनाइल लिपस्टिक बाय मेबलिन, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. यू कैन इवन गो फॉर दीज. इनफैक्ट मेबलिन की अल्टीमैट लिपस्टिक्स हैं, वो भी काफी अच्छी हैं. अगर आपको बुलेट लिपस्टिक्स पसंद है, दे आर एक्सट्रीमली पिगमेंटेड, वेरी वेरी नाइस, एंड वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स. सो जस्ट गो फॉर अ रेड, अ पिंक एंड अ न्यूड शेड. ये तीन शेड्स को आप मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे शेड्स निकाल सकते हो. एंड अगर तब भी नहीं बनता तो आप कफ्स एंड लैशेस के पिगमेंट्स ट्राई कर सकते हो. यू कैन हैव लाइक जस्ट ब्लैक एंड वाइट, एंड वो आपके लिपस्टिक के शेड को मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है. सो दोज आर द लिक्विड लिपस्टिक. मेकअप फिक्सर रह गया. मेकअप फिक्सर में अगर अफोर्डेबल की मैं बात करूँ, आई वुड रिकमेंड दिस. ये है ब्लू हेवन का फिक्स एंड प्रेप एंड फिक्स मेकअप फिक्सर. यू कैन गो फॉर दिस. दिस इज एक्सट्रीमली अफोर्डेबल. अगर हाई एंड की बात करूँ तो मैक का आप प्रेप एंड प्राइम ले सकते हो, दैट इज़ अमेजिंग. मॉर्फी का ल्यूमिनस मेकअप सेटिंग स्प्रे है, दैट इज़ अमेजिंग. एंड ऑल्सो आप ले सकते हो स्मैश बॉक्स का प्राइमर वाटर, दैट इज़ ग्रेट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन. Those are all my recommendation. I think ये video बहुत लंबा हो गया है, तो skin care वाला part जो है probably I will include in next video. Let me know in the comment section, आप skin care essentials for bride to be देखना चाहोगे कि नहीं. If yes, then I'll make part 2. If not, then I'll not. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा recommend कर देती हूँ. Foxtail का duet cleanser is extremely good. आप वो ले सकते हो. It works with both skin type. एक जो है आप ले लेना makeup remover balm. I think purple का cleansing balm is absolutely amazing, या फिर प्लम का भी ले सकते हो. बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड. मॉइस्चराइजर में ऑब्वियसली आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर ले सकते हो. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आप सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ले सकते हो, या फिर ये आयुगा का मॉइस्चराइजर भी काफ़ी अच्छा है. यू कैन गो फॉर दिस. एंड अगर आप ड्राई ऑयली स्किन साइड पे हो तो आप जेल बेस ले सकते हो. लाइक लैक्मे एब्सोल्यूट ने अभी लॉन्च किया है इट्स देयर हेलोरॉनिक रेंज. उसमें जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट ऑन द स्किन, सो यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दैट. सनस्क्रीन में आई वुड हाईली रिकमेंड एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन. दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट ऑन द स्किन और बहुत जल्दी से स्किन में घुल जाती है फॉर ऑल स्किन टाइप्स. एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है देन डर्मा को की 1% हेलोरॉनिक टिंटेड सनस्क्रीन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो दोज वर ऑल माई स्किन केयर रिकमेंडेशंस फॉर द ब्राइड टू बी.
लाइक दीज आर एडिशनल टू योर मेकअप, ये साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेकअप के लिए, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको रेकमेंड कर दी. ठीक है, सो आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.